अगर सिर पे लगे इस सिंदूर से हम एक हुए तो जमीन पर बिछे हुए सिंदूर से हम एक दूसरे से अलग हैं। जो सिंदूर हमारे बीच का रिश्ता है वही हमारे बीच की सीमा है। इसके उस तरफ तुम और इस तरफ हम, ना ही तुम कभी इस सीमा को पार करना ना ही हम करेंगे। ना ही ये कंबल, ना ही तुम्हारी हमदर्दी। कहाँ जा रहे हो? हमरे लुगाई की तरह सवाल मत करो हमसे, जवाब देने की आदत नहीं। बाहर जा रहे सोने के लिए। रुको, अगर तुम बाहर चले जाओगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? आज हमारी शादी की पहली रात है, किसी ने तुम्हें बाहर देख लिया तो उन्हें यही लगेगा कि ये शादी दिखावे की है। हम दोनों ने छल किया है उनके साथ। मैंने सबके सामने पत्नी धर्म निभाने का वचन दिया। अब प्लीज कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से मुझ पर या पिताजी पर और कोई भी लांछन लगे।
इस घर की चार दीवारी के अंदर तुम्हें जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, लेकिन यहां से बाहर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ साथ होते हुए भी साथ नहीं, शादीशुदा होते हुए भी एक नहीं, हमारी नफरत हम तक ही रहनी चाहिए, ये बाहर किसी और पर जाहिर ना हो, नहीं तो फिर से वो तुम्हारे दाता ठाकुर का जीना हराम कर देंगे। सो प्लीज, हो सके तो यहीं सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पूरे गांव में हम ही मिले थे उसे, हमारा ही नसीब खराब है। न जाने किस गलती की सजा मिल रही है हमें। भगवान जी, तो पी रहा है। अगर नशे में अंदर आकर उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो भगवान जी, मुझे हिम्मत देना। अगर इसने सीमा रेखा को पार करने की कोशिश की तो मैं उसका साथ छोड़ दूंगी।
खबरदार जो तुमने मुझे बेवकूफ लड़की, हम तो तुम्हें सिर्फ ये कंबल देने आए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पृथ्वी, पृथ्वी उठो, पृथ्वी। कैसे लगी? इसने डंडा मारा उठा के। मीरा, ये रात को पी रहा था, मुझे डरा दिया इसने। कि क्या सुन रहे हैं हम? पीकर डरा रहे हो इसको? माफ करना दुल्हन माँ, हमें नींद नहीं आ रही थी, परेशान हो गए। जब से आफत की पुड़िया हमारी जिंदगी में आई है, हमारी तो नींद हराम हो गई। आफत है ही, आफत है। अर्धांगिनी है, पत्नी है तुम्हारी, और खबरदार अगर आगे से इसको डराए तो। सुबह सुबह ही कहाँ सकले बना रखी है तुम दोनों ने? जाओ मुंह हाथ धो कर आओ। मिठाई लाए हैं हम तुम्हारे लिए। Thank you.
किसी का उधार नहीं रखते हम अपने सिर पर। ये किस मोड़ पर ले आई है जिंदगी हमें? कल तक जो बोझ हमारे दिल पर था वो आज हमारी बेटी के कंधों पर आ पड़ा। खुश रहो। दादा हमारे लिहाज का काम बताइए। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। अब से तुम्हें हमारा या घर में किसी का भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा दामाद हो तुम हमारे, आओ बैठो। नहीं दादा, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जगह आपके चरणों में ही। नहीं बेटा, हम बताएं कहाँ है तुम्हारी जगह।